हेलो दोस्तों, आज वापस आया हूँ आप सबके सामने बहुत ही ज्यादा कमाल की न्यूज लेके। 10th और 12th का जो बोर्ड एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो कम्प्लीटली चेंज करके रख दिया सीबीएसई ने। अब वो कैसे चेंज हुआ है उसके बारे में हम बात करते हैं। बहुत जल्दी आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगा दोस्तों। देखो, अब जैसे आपके जो बोर्ड एग्जाम होते थे 10th का होगा 12th का होगा, वो टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पर होंगे और वो सिर्फ अभी इस वाले अकेडमिक ईयर दैट इज 2021 एंड 22 के लिए है। फर्दर के लिए अभी कुछ नहीं कहा गया है। बेसिकली ये कोरोना COVID-19 इन सब सिचुएशंस को डील करने के लिए एक ऑल्टरनेटिव पाथवे निकाला गया है। अभी पाथवे कैसा है देखो, आपके जो इंटरनल इवैल्यूएशन होते थे, इंटरनल असेसमेंट जितने भी होते थे वो सब होंगे 10th में। सपोज अभी हम किसी भी क्लास का एग्जांपल लेते हैं 10th या 12th, आपके जैसे 100% सिलेबस है तो आपका 50% ऑफ दैट 100% विल बी इन टर्म 1 और बचा हुआ आपका 50% टर्म 2 में होगा। अब एक्साइटिंग न्यूज़ क्या है दोस्तों कि आपका जो ये टर्म 1 होने वाला है ये आपका एमसीक्यू बेस्ड पेपर होने वाला है। आपको ओएमआर पे आपको बबल्स फिल करने हैं और जब आप वो बबल्स फिल कर देंगे तो आपके वो सबमिट होंगे। बेसिकली कोविड में कि आपकी आंसर शीट्स होंगी वो थोड़ा मुश्किल होगा चेक करना, तो इस वजह से इसको ओएमआर बेस्ड लेके आए हैं। और टर्म 2 बेसिकली जो आपका बाद में होना है जो कि मार्च अप्रैल में होना है, या आपका टर्म 1 जो है नवंबर दिसंबर में होगा। तो जो आपका मार्च अप्रैल में ये जो आपका टर्म 2 होगा दोस्तों, इसके अंदर आपके पास क्या होने वाला है, सब्जेक्टिव पेपर। ये आपका सब्जेक्टिव पेपर होगा जिसके अंदर आपके पास कॉन्सेप्ट बेस्ड सिचुएशन बेस्ड उस टाइप का 2 घंटे का पेपर होगा, ठीक है। बट ये कहा जा रहा है कि अगर जब आपके टर्म 2 के एग्जामिनेशन होंगे, अगर तब तक भी आपकी सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती दोस्तों, तो आपका वो भी एक एमसीक्यू बेस्ड पेपर ही ले लिया जाएगा, वो भी 90 मिनट्स का, अगर सिचुएशन नॉर्मल नहीं होती तो। अब एक्स्ट्रॉर्डनरी केसेस क्या है, सपोज हमें समझ आया कि अच्छा हमारे पास जो है अभी नवंबर दिसंबर में जब हमारे पास टर्म 1 के पेपर होने वाले हैं तब हमें दिखा कि यार सिचुएशंस तो अच्छी नहीं है, हम सेंटर पर तो नहीं जा सकते पेपर देने एमसीक्यू बेस पे, तो क्या करवा लिया जाएगा, आपसे घर पे बैठ के आपसे ऑनलाइन पेपर दिलवा लिया जाएगा। बट अगेन वो चीटिंग वगैरह के जो केसेस हैं उनको कंसिडर करते हुए उसकी जो वेटेज है वो काफ़ी कम कर दी जाएगी और टर्म 2 की वेटेज को बहुत बढ़ा दिया जाएगा। इसी तरह अगर टर्म 2 के टाइम पर दिक्कत हुई और टर्म 1 सही निकल गया तो आपके टर्म 1 के मार्क्स को बढ़ा दिया जाएगा। तो आपको नहीं पता कि आपको कौन सा टर्म आपके लिए अच्छा रहेगा, हो सकता है किसी टर्म की वेटेज बढ़ जाए, तो आपको दोनों के लिए ही बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। और सिचुएशंस क्या है कि दोनों ही टर्म्स में दिक्कत हो गई तो दोस्तों आपके दोनों ही टर्म्स जो है ऑनलाइन चले जाएंगे बट उनकी वेटेज कम हो जाएगी और आपकी जो मेन असेसमेंट है वो आपके इंटरनल इवैल्यूएशन से निकाली जाएगी। तो इस टाइम पर आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है या बिल्कुल नहीं कह सकते, टाइम तो सिर्फ इस बात का है कि जो भी आप सामने देखते हैं उसमें अपना बेस्ट निकाल के तो जितना दे सकते हो, अदरवाइज गिल्ट आपका वेट कर रहा है। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। ITJEE से रिलेटेड बिट्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज मेरे चैनल पर आती रहती है। थैंक यू फ्रेंड्स, आई होप माई वीडियो वॉज यूजफुल।